दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज के घर का डिजाइन बिल्कुल ही महल जैसा बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पिक्चर में देख लीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ही महल जैसा डिजाइन बनाया है। तो चलिए दोस्तों इस ड्राइंग की मदद से हम सभी रूम्स का मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो दोस्तों इस बिल्डिंग की चौड़ाई 30 फीट रहेगी और लंबाई 50 फीट रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा मेन गेट आएगा। इस गेट से हम अंदर एंट्री करेंगे। सामने हमें यहाँ पर कार पार्किंग मिलेगी। यहाँ पर पोर्च लिखा हुआ है क्योंकि हमें फर्स्ट फ्लोर का भी डिजाइन समझ में आए, मगर ग्राउंड फ्लोर पर यहाँ पर कार पार्किंग आने वाली है। तो दोस्तों इस पार्किंग का साइज 7 फीट 6 इंच बाय 15 फीट 9 इंच रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रंट में हमें वरंदा मिलेगा, इसकी चौड़ाई 4 फीट रखी गई है और यहाँ पर मिनी गार्डन के लिए स्पेस रखा है। इस एरिया का साइज 5 फीट बाय 6 फीट रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अंदर चलते हैं। इस मेन डोर से हम घर के अंदर एंट्री करेंगे। जैसे हम घर के अंदर एंट्री करेंगे हमारी एंट्री हॉल में हो जाएगी। तो दोस्तों इस हॉल का साइज 13 फीट 2 इंच बाय 11 फीट 8 इंच रखा है। बहुत ही बड़े साइज का हॉल हमने यहाँ पर डिजाइन किया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सामने हमें डाइनिंग एरिया मिलेगा। तो दोस्तों इस डाइनिंग एरिया का साइज 12 फीट 10 इंच बाय 11 फीट 8 इंच रहेगा। सामने हमें किचन का डिजाइन मिलेगा। तो दोस्तों इस किचन का साइज 8 फीट बाय 10 फीट 8 इंच रहेगा। जस्ट किचन के साइड में हमें स्टोर रूम मिलेगा। इस स्टोर रूम का साइज 4 फीट 8 इंच बाय 6 फीट है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, डाइनिंग एरिया के लेफ्ट साइड में हमें वॉशरूम का डिजाइन किया है। इस वॉशरूम का साइज 4 फीट 8 इंच बाय 7 फीट 10 इंच बनाया है। और दोस्तों जस्ट डाइनिंग एरिया के राइट साइड में हमें सीढ़ियों का डिजाइन मिलेगा। इस सीढ़ियों की मदद से हम फर्स्ट फ्लोर पर एंट्री करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स पहले बेडरूम्स का साइज समझ लेते हैं। दोस्तों डाइनिंग एरिया के बाद में हमें बेडरूम्स का डिजाइन मिलेगा। इस ग्राउंड फ्लोर पर हमने 2 बेडरूम्स का डिजाइन किया है। इस डोर की मदद से हम बेडरूम में एंट्री करेंगे। तो दोस्तों इस बेडरूम का साइज 12 फीट 8 इंच बाय 14 फीट रखा गया है। और फ्रेंड्स देख लीजिए, हमें इस राइट साइड में और एक बेडरूम का डिजाइन मिलेगा। इस बेडरूम का साइज 12 फीट बाय 14 फीट रखा गया है। दोस्तों यह एक मास्टर बेडरूम है। इस बेडरूम के साथ हमें अटैच टॉयलेट भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस टॉयलेट का साइज 4 फीट बाय 7 फीट रखा गया है। और देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हमें OTS मिलेगा। इस OTS की चौड़ाई 4 फीट रखी गई है और लंबाई 12 फीट रखी गई है। यहाँ पर कोई भी छत नहीं रहेगी दोस्तों, ऊपर से ओपन रहेगा। इस OTS की मदद से ऊपर से ताज़ी हवाएं आती रहेगी और बैक साइड का सभी एरिया अच्छी तरीके से वेंटिलेटेड रहेगा। दोस्तों देख लीजिए, ग्राउंड फ्लोर पर हमने बहुत सारी विंडोज़ प्रोवाइड की गई है। किचन के लिए यहाँ पर फ्रंट में विंडो दी गई है। ड्राइंग एरिया के लिए विंडो यहाँ पर डिजाइन की गई है। देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड की बेडरूम्स के लिए यहाँ पर जीने में एक विंडो दी गई है। और दोस्तों इस बेडरूम के लिए यहाँ पर बड़ी साइज़ की विंडो का डिज़ाइन किया है। दोस्तों यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट भी दिया गया है। इस कॉमन टॉयलेट का साइज 4 फीट बाय 8 फीट दिया गया है और यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए विंडो का डिज़ाइन किया है। और इस लास्ट वाले टॉयलेट को भी यहाँ पर विंडो का डिज़ाइन किया गया है। हर एक रूम्स के लिए वेंटिलेशन का खास तौर पर ध्यान रखा है दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स फर्स्ट फ्लोर का प्लान समझ लेते हैं। जैसे हम इस सीढ़ियों की मदद से फर्स्ट फ्लोर पर एंट्री करेंगे तो दोस्तों हमारी एंट्री इस पोर्च में हो जाएगी। और दोस्तों इस डोर की मदद से हम डाइनिंग एरिया में एंट्री करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ग्राउंड फ्लोर पर हर एक रूम्स का जो भी साइज रखा था, किचन का, बेडरूम्स का, सभी वॉशरूम्स या फिर OTS, सेम टू सेम प्लान हमने फर्स्ट फ्लोर पर भी बनाया है। बस एक ही चेंज है, ग्राउंड फ्लोर पर इस एरिया में हमने कार पार्किंग का डिज़ाइन किया था और फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर हमने गैलरी का डिज़ाइन किया है। बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं किया हुआ, सेम टू सेम प्लान हमने फर्स्ट फ्लोर पर भी डिज़ाइन किया है। यह प्लान आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन से प्लान के साथ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।